पंडित जी से गुजारिश करूंगा कि आए और अपना आशीर्वाद दें। मैं आयोजक मंडल के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें श्री जमील खान, फजलू खान, डॉक्टर नसीम साहब, अहमद सुहेल साहब, रौफ चौधरी जी, शाहरुख अहमद साहब, जो इसके आयोजक हैं, इनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। संचालन है सगीर खासकार, अतिथि अफरोज मलिक और विश्वनाथ चौधरी। मैं इन लोगों को भी इस आयोजन के लिए और इस आयोजन में कुशल संचालन के लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, साहित्य सम्मेलन से हम इसके माध्यम से आयोजक मंडल ने दूर दूर से विद्वानों को बुलाकर सबको उनकी बातों से अवगत कराया। आज देश इस स्थिति में है, आप सब प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हो, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। आप सोचो, जैसा कि हमारे बड़े पुराने साथी हैं, आज बहुत दिनों के बाद 200 बरस के बाद मिल रहे हैं हमसे, तो उन्होंने बताया, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता या लोग इससे जुड़ नहीं पाते, चाहे जितना आयोजक प्रयास करे, बड़े से बड़े विद्वान को बुलावे, लोगों को रुचि नहीं। और हमारे इस यहाँ तो और भी रुचि नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का जो हालात हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जितना शिक्षा यहाँ होनी चाहिए नहीं हो पाई। हमारे नौजवान थोड़ा सा उम्र हुआ, रोजी रोटी के लिए मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, कानपुर और अन्य दूसरे देशों में भी, जो विदेश गल्फ कंट्रीज हैं, उसमें रोजी रोटी के लिए जाते हैं। जब तक हमारे रोजी रोटी की समस्या का हल नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक कोई साहित्य सम्मेलन उस स्तर पर नहीं बढ़ पाएगा जिस स्तर पर हमें कल्पना करनी है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, इस नौजवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास कार्ड लेके गए तो मैं इनके बाप को जानता था, वो हमारे साथी रहे, हमारे चुनाव में काम करते थे, हमें मदद करते थे। जब इन्होंने बताया कि मैं उनका बेटा हूँ, तो मैंने कहा भाई कहीं भी रहूँगा मैं आ जाऊँगा, इसीलिए मैं लखनऊ गया था, रात को चला आया कि किसी तरह से दो मिनट शिरकत करें। आप लोग यहाँ हैं, लोगों से मनोज साहब ने पत्रकारिता बारे में बात की है, वो सही कह रहे हैं। आप टीवी खोलो तो एक ही आदमी का भाषण, चाहे जो चैनल खोलो, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा और हाथ उठा के भाषण, यही दुनिया को मिलता है। हमारी समस्याओं के निदान का कोई इसमें बातें नहीं होता। तो देश बड़े कठिन दौर से गुजर रहा। हम आपको किसी दल विशेष की या किसी बात की शिकायत नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, उन पर भी कुछ हमला हो रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो CBI हो, चाहे और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर ये संविधान को ही खतरे में डालेंगे तो देश का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक होकर अपने संविधान को और अपने समाज को बचाने की जरूरत है। अब मैं समझता हूँ इस साहित्य महोत्सव से कुछ बातें निकलकर आपके लोगों के बीच में आई होगी, उससे आप इस समाज को सुधारने का काम करें। मैं फिर एक बार आयोजक मंडल को और संचालन करने वाले लोगों को अपने तरफ से बधाई देता हूँ कि बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, अब तो कुछ जागरूकता आ गई। नहीं, यहाँ किसी गांव में ढूंढो तो हाई स्कूल पास लड़के नहीं मिलते थे, क्योंकि न एजुकेशन था, न स्कूल थे, गरीबी हम लोग बेहद में थे, आधा तो बाढ़ में डूब जाते थे। अब नौजवान यहाँ से निकलकर, मुझे खुशी होती है जब मैं लखनऊ में अपने यहाँ के लड़कों को मिलता हूँ,
जो पढ़ने गए, तो कम से कम यहाँ से निकल कर नौजवान अब शिक्षा जगत में जाएगा। ये याद रखना, बिना शिक्षित हुए ना तो हमारी गरीबी दूर होगी और ना हमारा साहित्य संपन्न होगा। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार आयोजक मंडल, आए हुए जो मेहमान हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस खराब मौसम में भी दूर से चलकर यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद।